Superior Institute of Chinese Martial Arts, Pakistan. Today I teach you how to do the spinning hook kick. First of all, take a stance, move your body, look behind your shoulder, and hook. इसमें आपको स्पिनिंग हुक के अंदर आप हिप गार्ड तक भी कर सकते हैं और उसके साथ आप पूरा पांव भी कर सकते हैं। दो तरह की है, एक पूरा पांव आपका हिट होता है और एक में आप हील को हिट करते हैं। दोनों में यूज हो सकती है, लेकिन हील वाली ज़्यादा लिथल है, ज़्यादा सख्त अटैक कर सकती है, जबकि स्पिनिंग हुक के अंदर आपका जो पांव का अटैक है ये रेंज को दूर तक कवर करता है। इसके अंदर आप सबसे पहले स्टांस लेते हैं, बॉडी को मूव करना है आपने, शोल्डर की बैक से किक को देखते हुए आपने किक को पहले यहाँ कंट्रोल करना, यहाँ से किक आप करते हैं। इसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जा सकता है, आप पाँव पीछे रख के भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर पाँव को आगे रख के भी यूज कर सकते हैं, फ्रंट फुट से भी इसको खेल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे एंगल से आपको दिखा देते हैं कि आप यहाँ से स्टेप के साथ इसको कैसे खेलेंगे। तीन स्टेप लेना है पीछे, ठीक है, यहाँ से एक स्टेप पीछे लेंगे, वन एंड टू, ठीक है, प्रॉपर आप इसको खेल सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप लेंगे, वन एंड टू, बहुत सिंपल इजी किक है, रिंग के अंदर यूज हो सकती है, स्ट्रीट फाइट के अंदर यूज हो सकती है, और टारगेट्स इसके आप डिफरेंट जगहों पे खेल सकते हैं, लोअर भी खेल सकते हैं, नी जॉइंट के पास, कमर पर, सर पर, किसी भी जगह आप इसको खेल सकते हैं, प्रॉपर मूव करके। बहुत इजी और इफेक्टिव किक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take care of yourself. Allah Hafiz.